हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी। वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्टाइलिंग रिव्यूज। तो आज मैं आप लोगों के साथ हेयर स्टाइल का वीडियो शेयर करने वाली हूँ, और ये हेयर स्टाइल स्पेशली शॉर्ट हेयर के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी शोल्डर लेंथ की हेयर है और ये मीन्स शॉर्ट में ही आती है। इसके साथ मैं आपके साथ आज टोटल 5 हेयर स्टाइल मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत अमेजिंग है, एथनिक लुक हो या वेस्टर्न लुक हो, आप सभी के साथ इस तरह से हेयर स्टाइल को मैच कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत ज़्यादा टूल्स मैं नहीं यूज़ करूँगी, बहुत ही जल्दी एंड ईजी मैं आपको हेयर स्टाइल बताऊँगी। तो डेफिनेटली अगर आपके शॉर्ट हेयर है तो आप इस तरह के हेयर स्टाइल को बना करके और आप अपना एक फंकी लुक क्रिएट कर सकते हैं और आप अमेजिंग लग सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हेयर जो है शॉर्ट हैं, प्लस थोड़े से मेरे फ्रंट से सिल्की हैं और डाउन से थोड़े से कर्ल्स हैं। तो मैं पूरा इसको सिल्की मीन मैं पूरा इसको फ्लैट नहीं कर रही हूँ, मुझे इस तरह से मेरे हेयर बहुत पसंद है। सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं सीरम का यूज़ करूँगी। इसके लिए मैं लिवॉन हेयर सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी सीरम हो आप वो इसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसे ले लिया है, जस्ट मैं इसे अपने थोड़े से टचअप रूट के साइड में मैं नीचे की ओर कर दूंगी। इससे क्या होगा कि आपके जो भी हेयर है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, कोम करने में इजी रहते हैं। मैं सीरम ऑलवेज जब भी मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ मैं उसके बाद ज़रूर सीरम का यूज़ करती हूँ। इस तरह से आपको अपने सीरम को अच्छे से लगा लेना है। सीरम लगाने के बाद अब मैं अपने हेयर को अच्छे से कोम कर लेती हूँ, ताकि जितने भी इसमें जो भी टैंगल्स हों, जो भी थोड़े से अगर आपके हेयर उलझे हैं तो वो बिल्कुल अच्छे से लुक में आ जाए। इस तरह से सीरम के बाद ऑलरेडी आपके हेयर जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट जो मैं आपके साथ आज हेयर स्टाइल में शेयर करने वाली, बहुत ही सिंपल एंड इजी है। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से आप इस तरह के सिंपल सा है। जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तो आप इस तरह के हेयर स्टाइल को ज़रूर कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ से ये ऐसे लेना है और अपने फिंगर की हेल्प से आपको अपने हेयर को लेफ़्ट साइड और राइट साइड, आपको जिस साइड भी आप चाहते हो आप उस साइड कर सकते हैं। तो इससे आपका जो लुक है वो बिल्कुल अच्छे से होकर के आता है। थोड़ा सा आप यहाँ पे पफी ऐसे से कर सकते हैं। ये साइड अगर आपको ऐसे फ्लैट रखना है तब भी आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक क्लिप का यूज़ करूँगी। जो भी आपके पास इस तरह की क्लिप्स हो उसे मैं लगाऊँगी ऐसे। इससे क्या आपका जो ये लुक है साइड का ये भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लस आप इस तरह से अपने हेयर को साइड रख सकते हैं। इस हेयर को आप पीछे कर लीजिए और आप इसे ऐसे कर लीजिए फुल हेयर। और आप इसे भी थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। हेयर स्टाइल को आप वेस्टर्न के साथ भी पेयर कर सकते हैं, और अगर आप एथनिक के साथ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो डेफिनेटली आप इस तरह के हेयर स्टाइल को बना करके बहुत ही ईजिली, अब जल्दी जल्दी में रहते हैं तो हम जा सकते हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल, इसे मैंने आपको राइट साइड करके दिखाया है। अब आप इसे अपोजिट साइड भी कर सकते हैं। अपोजिट के लिए भी आपको सिंपल करना है कि आपको इस वाले साइड से जो आपकी आईब्रोज की यहाँ पर आती है आपको ऐसे करना है, और सिंपल आपको बस इसको अपने फिंगर की हेल्प से इस साइड कर लेना है। इसके बाद जो आपका ये साइड है, या तो आप इसे ऐसे ही ओपन रहिए रखिए, और नहीं तो अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो भी आपके पास इस तरह की हेयर क्लिप्स हो, इस तरह से आपका थोड़ा सा एक हेयर स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है, और आप हमेशा अपने फिंगर की हेल्प से इसे सेट कर सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर आपके हेयर जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट एंड सिल्की हैं तो डेफिनेटली आप जो हैं फिर उसको बहुत ही ईजिली आप उसे मैनेज भी कर सकते हैं। सेकेंड हेयर स्टाइल में जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसके लिए सबसे पहले अपने हेयर को अच्छे से कोम कर लीजिए। इसके बाद अपने फिंगर की हेल्प से अपने हेयर को कुछ इस तरह से आपको लेना है दोनों साइड से। फिर से आपको इसको अच्छे से कोम कर लेना है। इससे हमें एक बन बनाना है। मैं इस हेयर से ही इस कोम से ही कंफर्टेबल रहती हूँ, इसलिए मैंने इस तरह कोम, अगर आपके पास वो जो पतले वाले जो कोम आते हैं वो अगर है तो डेफिनेटली आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको उसको लेना है, जस्ट यहाँ से आपको ऐसे ट्विस्ट कर टर्न करना ऐसे राउंड राउंड करते हुए, और जब इसे फोल्ड करना है तो आपको ऐसे आगे की ओर थोड़ा सा कर लेना। इसके बाद जस्ट इसमें जैसे हम जूड़ा बनाते हैं सेम आपको इसको ऐसे सेंटर में रखते हुए इसे आपको करना है। इसे आप सिक्योर कर लीजिए किसी भी रबड़ बैंड से और इस तरह के बैंड से जो कि बिल्कुल टाइट रहे।
जिस तरह से ये हेयर स्टाइल बहुत ही क्यूट लगती है। इसके बाद आप अपने हेयर को या तो बैक कर लीजिए बोथ हेयर को, या तो फ्रंट कर लीजिए। फ्रंट से थोड़ा सा पफ अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से पुल कर सकते हैं, और इस तरह से आप साइड्स को भी निकाल सकते हैं। थर्ड हेयर स्टाइल जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए अगेन मैं अपने हेयर को कॉम कर लेती हूँ। बहुत ही ईजी हेयर स्टाइल है, इसे आप वेस्टर्न हो या एथनिका किसी के साथ भी आप कर सकते हैं। फिंगर की हेल्प से इसे करेंगे। इस तरह से अपने थंब को आपको यहाँ ईयर के पास रखना है, और अपने फोर फिंगर्स को आपको इस तरह से अप की ओर ले जाना है, और पूरा इस तरह से करते हुए आपको फ्रंट में पफ बनाना है। ये हेयर स्टाइल बहुत ही ईजी है और बहुत ही जल्दी होती है, प्लस बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ इस तरह से आपको करके पीछे से आपको इसको पफ की ओर, मतलब आगे आपको पफ रखना है। और जो भी आप क्लचर यूज़ करते हो, जिस भी टाइप का, इस तरह का, यहाँ पे आपको ऐसे करके इसे सिक्योर कर लेना है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको कुछ इस तरह से इसका पफ बना लेना है। फ्रंट से आप ऐसे ऐसे निकाल भी सकते हैं अपना थोड़ा सा। ये लुक भी बहुत अमेजिंग लगता है। जब भी अगर आप किसी भी सूट या किसी भी जल्दी जल्दी में अगर आप रेडी होना चाहते हैं, तो आप इस तरह से इस लुक को बना सकते हैं। ऐसे करने के बाद अगर आप चाहिए तो अपने ओपन हेयर को भी आप इसके साथ टाई कर सकते हैं। सिंपल आपको इसको बैक ले जाना है, और आपको एक हाइटेड बनाना है थोड़ा लाइक दिस। आपको इस तरह से हाइट करके सिंपल आपके पास जो भी बैंड हो उसे आप कुछ इस तरह से आपको बनाना था। ये भी एक बहुत ही अच्छा लगता है, प्लस आप देख सकते हैं कि ये आपका बिल्कुल हाई पोनीटेल स्टाइल में हो जाता है, और प्लस आपका लुक जो है वो बिल्कुल वैसा ही रहता है। जस्ट आप इसको आपने कवर कर दिया, और साइड से आप अपने थोड़े से हेयर को आप ऐसे निकाल सकते हैं। फोर्थ हेयर स्टाइल के लिए जस्ट अगेन मैं अपने हेयर को अच्छे से कॉम कर लेती हूँ। कोई भी हेयर स्टाइल हो, कॉम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस बार मैं आपको साइड पोनीटेल इस हेयर स्टाइल में बताने वाली हूँ। जस्ट आपको लेफ्ट और राइट जिस भी साइड आपको करना है, मैं इसे इस साइड लेफ्ट साइड अपने करती हूँ। पूरा मैंने हेयर को अच्छे से लेफ्ट साइड करके जस्ट मैंने यहाँ से होल्ड किया है। फिंगर की हेल्प से इसे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है मुझे, कुछ इस तरह से। इसके बाद मैं इसमें बैंड का यूज़ करूँगी, और आप इसमें क्लचर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं इसे साइड पोनी टेल बना दूँगी। कॉम कर लीजिए। ये जो आपके हेयर हैं इसे मैं थोड़ा सा ऐसे पफ करके बैक साइड में सिक्योर कर लूँगी। सिक्योर करने के लिए आप इस तरह की क्लिप का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप स्टाइल में इस तरह के क्लिप्स को भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको बोथ लगा के दिखा देती हूँ। तो मैं इसे थोड़ा पीछे तक मैं यूज़ करूँगी, जिससे कि थोड़ा सा स्टाइल भी रहे। बैक से इस तरह सिक्योर करने के बाद फ्रंट में आप यहाँ तो आपके पास अगर कोई भी इस तरह का फ्लावर हो तो आप लगा सकते हैं, और मेरे पास इस तरह से स्मॉल स्मॉल से क्लिप्स हैं वाइट कलर में, इसे मैं यहाँ पे अच्छे से ऐसे लगा के सिक्योर कर लूँगी। तो बिल्कुल से एक स्टाइल लुक भी आपका आ जाता है कुछ इस तरह से, और जो आपका बैंड का जो लुक है वो हाइड हो जाता है, प्लस देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। स्टाइल जो मैं शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए अगेन मैं अपने हेयर को कॉम कर लेती हूँ, और यहाँ से मैं पार्टीशन करूँगी। सिंपल से पार्टीशन को करके आप जिस भी साइड पार्टीशन करते हो अपने हेयर में, आप उस साइड करके
जस्ट इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो मेरा फ्रंट का हेयर है इसे मैं यहाँ से इसको इस तरह से ट्विस्ट करना स्टार्ट करूँगी फ्रंट से लेते हुए। इससे आपकी एक स्टाइल बन रही है। कुछ इस तरह से, और इसे थोड़ा सा मैं ऐसे पुल कर लूँगी जिससे ये फ्रंट में एक पफ जैसा बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने लिया है इसे मैं बिल्कुल से बैक ले जा करके सिक्योर कर लूँगी। सेम अगर आपके पास इस तरह की क्लिप है तो आप इससे भी कर सकते हैं और इस तरह की क्लिप से भी आप कर सकते हैं। तो मैं इस क्लिप से करती हूँ सिक्योर, थोड़ा सा लूज़ करते हुए। मैं इसे सिक्योर कर लूँगी और मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा ऐसे पफ कर लूँगी। ये जो स्टाइल है ये बहुत ही स्टाइलिश लगती है, अमेजिंग लगती है। इसे भी अगेन आप वेस्टर्न और एथनिक के साथ कर सकते हैं और आप इसे वन साइड भी कर सकते हैं जिस तरह से मैंने वन साइड किया। वन साइड करके आप इसे फुल आप इसे छोड़ सकते हैं इस तरह से, और इस साइड भी आप सेम हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो मैं आपको पहले, आप देख सकते हैं कि ये स्टाइल इस तरह से लगती है। इसके बाद सेम मैं यहाँ से भी जस्ट इसको इस तरह से हेयर लेते हुए मैं टर्न करती जा रही हूँ। फुल इसे मैं बैक तक कर लूँगी, अगेन थोड़ा सा लूज़ करके इसे मैं इस तरह से पफ कर लूँगी कुछ इस तरह से, और इसे बैक में मैं इसे सिक्योर कर लूँगी सेम इस तरह की क्लिप से ही। और अगेन इसे मैं थोड़ा सा सामने से पफ स्टाइल बना लूँगी। तो इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा लुक भी आ जाएगा और आपकी हेयर स्टाइल जो है थोड़ी सी हट करके भी लगती है। इसके बाद आपने हेयर को अच्छे से कोम कर लीजिए जितने भी हेयर बचे हैं, और आप इस तरह से इस हेयर को आप बैक भी कर सकती हैं क्योंकि ये बैक में भी लुक बहुत ही अमेजिंग देता है। और आप इस तरह से थोड़ा सा हेयर को आगे कर सकती हैं। कैसे लगे आप लोगों को ये 5 हेयर स्टाइल? बहुत ही सिंपल एंड अमेजिंग हेयर स्टाइल है, बहुत प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ही इजीली सारे स्टाइल्स जो हैं बन जाते हैं। जिनके भी शॉर्ट हेयर और जिनके भी थोड़े से बिग भी हेयर हैं आप उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली ये जो भी हेयर स्टाइल मैंने आपके साथ शेयर किया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, तो जो भी है वो आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर पर। और मेरे साथ अपने कमेंट ज़रूर शेयर करिए कि आपको ये हेयर स्टाइल कैसे लगे और आपके ऊपर कैसा लग रहा है ये स्टाइल बनाने के बाद, ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।